नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo T1 5G मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। जी दोस्तों, आपके पास कोई भी ऐप हो, सारी ऐप में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपने जो भी प्राइवेसी पासवर्ड या पैटर्न बना के रखा वो आपको डाल देना है। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पहले से बना के रखा तो वही यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेंगी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब जिस एप्लीकेशन में आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है उस एप्लीकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से हम कोई किसी भी एक एप्लीकेशन को ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना HDFC बैंक में फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, तो इसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ से बैक आ जाना है, एक बार फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल में पहले से ही फिंगरप्रिंट ऐड होना चाहिए। अगर नहीं ऐड होगा तो आपके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पहले से ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो भी लॉक स्क्रीन पासवर्ड या पैटर्न बना के रखा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसके सामने टिक इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करोगे दोस्तों आपने जो भी प्राइवेसी पासवर्ड पैटर्न बनाया होगा वो आपके यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो वो यहाँ से हम डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली आपकी ऐप पे फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। मैंने दोस्तों HDFC बैंक में अपना फिंगरप्रिंट ऐड किया। दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, ये रहा HDFC बैंक, इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे दोस्तों क्लिक किया यहाँ से देख सकते हो फिंगर दिखाई दे रहा है, फिंगर सेंसर। और दोस्तों जब तक फिंगर सेंसर में अपना फिंगर नहीं लगाएंगे तब तक हमारा HDFC बैंक ओपन नहीं होता। यहाँ से आप देख सकते हो जैसे फिंगर लगाया वैसे हमारा बैंक ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप Vivo T1 5G मोबाइल में किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।